हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस मंच में। आज मैं आप लोगों के सामने यूपीपीएससी और यूपीएससी मेंस के लिए जीएस पेपर 4 एथिक्स का जो पेपर होता है उसके लिए जो हमारा लास्ट टॉपिक रह गया था, काफ़ी दिनों से क्लास नहीं चल पाई थी किसी कारण की वजह से, अब जब दोबारा से प्री होने वाला है और उसके बाद मेंस होगा उसके लिए अब हम लोग प्रिपरेशन अभी से करेंगे। तो कुछ दिन हम लोग मेंस का पेपर पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग प्री पर आएंगे। तो आज मैं उसी सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए एथिक्स का जीएस पेपर 4 पढ़ाने जा रही हूँ, और ये कम्प्लीट होते ही इसका पीडीएफ आपको मेरे सक्सेस मंथ पेज और मेरे टेलीग्राम चैनल, जिनका दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं मेरे चैनल को। और जो व्यूवर्स पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, असक्त वर्गों के प्रति संवेदना या करुणा क्या होती है और इसके बारे में पूरी डिटेल जानते हैं। बहुत इजी वे में हम समझेंगे इस टॉपिक को, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमने यहाँ तक हम लोग कर चुके थे, हमने सहिष्णुता कर लिया था, अब हम ये लास्ट टॉपिक इसका करुणा रह गया। बाकी ये वाला टॉपिक और ये दोनों टॉपिक जो थे, अंतः वस्तु और सिविल सेवा के लिए अभिरुचि, ये दोनों पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप मेरी चैनल के प्लेलिस्ट में ये पूरा टॉपिक जाके देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, जहाँ पे बहुत ही इजी वे में एथिक्स को मैंने समझाया हुआ है। तो अब हम बात करते हैं करुणा की। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि करुणा क्या होती है, इसका अर्थ क्या है, दया और करुणा में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि कहीं कहीं हम दया और करुणा को सेम मीनिंग में ले लेते हैं। करुणा की थकान क्या होती है, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, नया एक थ्योरी आई है करुणा की थकान। कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में, करुणा की थकान का अर्थ समझाइए, तो इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम देखेंगे करुणा और सहानुभूति क्या होती है और करुणा की हमें आवश्यकता क्यों है, एक सिविल सर्वेंट बनने के लिए एक सिविल सर्वेंट को करुणा क्यों आवश्यक होती है, तो इसके बारे में हम जानकारी आज हासिल करेंगे लेक्चर में आज के। तो देखते हैं सबसे पहले कि करुणा का अर्थ क्या होता है। तो अगर हम करुणा के अर्थ की बात करें तो कमजोर व्यक्तियों या प्राणियों के प्रति उत्पन्न होने वाली उस भावना से जो उसकी उस कमजोर स्थिति को समझने तथा उसके प्रति सहानुभूति चिंता रखने से उत्पन्न होती है। अगर मैं इसे सिंपल मीनिंग में बात करूं तो आप किसी भी व्यक्ति को देखते हो, आपके अंदर उसके प्रति, अगर मान लीजिए कि वो कोई गरीब है, भीख मांग रहा है, कोई दयनीय परिस्थिति में है, तो आपके अंदर से वो चीज़ उभरेगी कि आप उसकी स्थिति को समझोगे, उसके प्रति समानुभूति रखोगे और चिंता करोगे कि उसको उस स्थिति से कैसे उबारा जाए। तो इसे कहते हैं करुणा। संपूर्ण विश्व में परोपकार की भावना का मूल तत्व करुणा ही है। जितने भी चैरिटीज़ वाले काम किए जाते हैं, जितने भी अच्छे सोशल वर्क वाले काम होते हैं, इन सब का जो मूल आधार होता है वो करुणा ही होता है। जैसे हम बात कर सकते हैं कि बुद्ध की, महावीर की, इन्होंने करुणा पे बहुत ज़्यादा बल दिया है। और करुणा की अगर मैं सिंपल मीनिंग में बात करूँ तो सबके अंदर, किसी के अंदर कम होती है, किसी के अंदर ज़्यादा होती है। मींस कि अगर मैं आप लोग के लाइफ से एग्जांपल लेके देखूँ तो अगर कोई नॉनवेज खाने वाला इंसान है, अगर वो अपने सामने नॉनवेज को कटते हुए देख लेता है तो अगर उसके अंदर ज़्यादा करुणा होगी तो वो खाना छोड़ देगा, और नहीं होगी, कम होगी, तो वो चीज़ खाना नहीं छोड़ेगा। तो करुणा का मतलब ये होता है वो सबके अंदर होती है, सामान्य रूप से होती है, बट किसी के अंदर उसका स्तर ज़्यादा होता है, किसी का स्तर कम होता है। तो ऐसी करुणा वो स्थिति है जब किसी सामने वाली व्यक्ति के भावनाओं को समझा जाता है, उसको चिंता रखी जाती है, और ये अंदर से होता है कि कैसे कैसे भी उस व्यक्ति को उस स्थिति से निकाला जा सके, तो ये करुणा का अर्थ होता है। मतलब नॉर्मल मीनिंग में आप जानते होंगे, लेकिन एग्ज़ाम में कैसे लिखना है वो आपको ऐसे लिखना है जो मैंने बताया है। आगे हम बात कर लेते हैं करुणा और दया में अंतर क्या होता है। सेम लगता है कि करुणा भी वही चीज़ है, दया भी वही चीज़ है, बट दया एक विशिष्ट भाव होता है और करुणा जो होती है वो एक सामान्य भाव होता है। इसको समझते हैं हम लोग, जैसे कि अगर कहीं पर एक्सीडेंट हो गया तो किसी के अंदर आता है कि हाय कैसे एक्सीडेंट हो गया, उसका वो कैसे रहेगा, ये होती है दया। करुणा का मतलब होता है कि उस एक्सीडेंट वाले बंदे को हॉस्पिटल लेके जाना या फिर एम्बुलेंस को फ़ोन करना, उसके घर वालों को फ़ोन करना, ये होती है करुणा। तो ये आप एग्जांपल दे सकते हैं यहाँ पर।
करुणा विशिष्ट के प्रति ही नहीं सामान्य के प्रति भी हो सकती है। मतलब अगर कोई मतलब मेजर एक्सीडेंट होगा तो करुणा आएगी, लेकिन दया आना वही मतलब मेजर एक्सीडेंट होगा तो ही उस पर दया आएगी, जरूरी नहीं है। करुणा तो हर एक छोटा मोटा एक्सीडेंट भी होगा तो भी करुणा आ जाएगी, छोटा मोटी कारण होगा तो भी, लेकिन दया जो चीज़ होती है वो सबके अंदर नहीं होती, सब छोड़ छाड़ के निकल जाते हैं चीज़ों को, तो वो चीज़ होती है दया के भाव। अब नेक्स्ट इसमें है कि दया का जो पात्र व्यक्ति होता है वो स्वयं उबरने में समर्थ नहीं होता है। मतलब कि किसी का एक्सीडेंट हुआ तो स्वयं ऐसा समर्थ नहीं होता है कि वो उठ के चला जाए और अपना इलाज करवा ले, तो जिसके लिए दया आनी चाहिए वो खुद समर्थ नहीं होता है। अब करुणा के लिए जरूरी नहीं है कि पीड़ित व्यक्ति स्वयं अपनी स्थिति से बाहर निकलने में पूर्णतः अक्षम हो। करुणा किसी भिखारी पर आती है तो ये जरूरी तो नहीं कि वो अपनी स्थिति से निकल नहीं सकता, वो निकल तो सकता है बट वो निकलना नहीं चाहता है, या कोई ऐसी परिस्थिति है कि वो निकल नहीं पा रहा है। बट करुणा एक सामान्य स्तर पर होती है और दया एक विशिष्ट स्थिति में होती है। दया एक तात्कालिक मानसिक अवस्था है, करुणा तुलनात्मक रूप से स्थायी भाव होता है। दया का मतलब होता है कि कोई एक बैग से परिस्थिति आई तो उस समय हमारी मानसिक स्थिति होती है तो वो होती है दया, और करुणा होती है सबके हमेशा स्थायी भाव होता है। किसी भी भिखारी को देख लिया, किसी बच्ची को देख लिया फुटपाथ पे, तो करुणा वहाँ पर स्थायी होता है, देख के उस चीज़ को हम एक्सप्रेस करेंगे हाँ इसे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ये हर जगह होता है। दया होती है कोई एक विशिष्ट भाव वहाँ पर उत्पन्न होता है, कोई मेजर एक्सीडेंट होता है या कोई बड़ी दुर्घटना घटती है, न्यूज़पेपर में कोई ऐसा चीज़ हम लोग सुन लेते हैं जिससे हमारा रियल एक्सीडेंट होते हैं तो वहाँ दया का भाव आ जाता है, वो तात्कालिक मानसिक अवस्था हो जाती है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं करुणा की थकान क्या होती है। करुणा की थकान से मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति निरंतर ऐसी परिस्थिति में रहे जिसमें करुणा सक्रिय होती है तो धीरे धीरे करुणा की सक्रियता में कमी आने लगती है, और इसे ही करुणा की थकान कहते हैं। बहुत ही इजी है ये, अगर आप ये पढ़ रहे होंगे आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, बट अभी मैं एग्जांपल से समझाती हूँ, आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा कि करुणा की थकान क्या होती है। सिंपल, आप लोगों ने डॉक्टर्स को देखा होगा, डॉक्टर्स जब शुरू में बनते हैं, डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं, तो उनके पास अगर कोई एक्सीडेंट का केस आता है तो उनको बड़ी अंदर से मतलब कि अनकम्फर्टेबल फील करते हैं वो लोग, कि एक्सीडेंट को देख के अगर जो डॉक्टर्स होते हैं या फिर नर्सेस की बात कर लें तो बहुत शुरू शुरू में जब वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तब अगर ऐसा कोई केस आता है तो वो अनकम्फर्टेबल फील करते हैं, बट जब वो पूरे फ्लो में आ जाते हैं, उनकी प्रैक्टिस को 8-10 साल 15 साल हो जाते हैं, तो वो ऐसे मतलब कॉमनली इस चीज़ को लेते हैं कि ये नॉर्मल बात है, इसमें कुछ हुआ ही नहीं कोई भी एक्सीडेंट केस हो, तो इसे कहते हैं करुणा की थकान। मतलब कि निरंतर उस परिस्थिति में रहकर, निरंतर एक्सीडेंट का केस देखकर, बार बार करुणा, बार बार वही मोशन जब आते रहते हैं तो धीरे धीरे करुणा की सक्रियता, बार फिर वो धीरे धीरे ना सक्रियता में कमी आ जाती है, फिर करुणा कम होने लगती है, तो इसे ही करुणा की थकान कहते हैं। करुणा जो होती है वो दुखी, जरूरतमंद, दीनहीन और कमजोर मतलब जो व्यक्ति होता है उसके प्रति उत्पन्न होने वाली ऐसी भावना है जो उन प्राणियों या व्यक्तियों की कमजोर स्थिति और दुख दर्द को समझने और दुखों के प्रति संवेदनशील होकर उसके समाधान करने को भी प्रोत्साहित करती है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि करुणा की थकान क्या होती है। जैसे कि ट्रामा सेंटर में बार बार डेड बॉडीज़ आती रहती होंगी, तो वहाँ पर उन लोगों शुरू में तो जो काम करने आता होगा उसे बहुत ही अनकंफर्टेबल इजीनेस नहीं होता होगा। ऐसे ही पुलिस वालों की बात कर लें तो वो भी डेली देखते होंगे चोरी का केस और डकैती का केस और हत्या का केस, तो उनको शुरू शुरू में अनकंफर्टेबल फील होता होगा, लेकिन जैसे जैसे वो अपने जॉब्स में परफेक्ट होते जाते हैं, अपने टाइम होता जाता है, तो उनके अंदर ये चीज़ें सक्रियता कम, करुणा कम होने लगती है, तो इसे करुणा का थकान कहते हैं। मतलब सिचुएशन तो वैसे ही बार बार आ रही हैं बट अब उनको अंदर से कोई फीलिंग नहीं आती इस चीज़ में, क्योंकि वो हैबिचुअल हो चुके होते हैं, तो इसे हाँ एक हैबिट कह सकते हैं कि वो हैबिट में आ जाता है वो चीज़। तो आपको ही अच्छे से समझ में आ गया होगा करुणा की थकान।
चलिए हम बात करते हैं करुणा और सहानुभूति की। तो सहानुभूति केवल हमदर्दी या दुख प्रकट करने तक ही सीमित होता है। मतलब किसी के साथ कोई घटना घटी तो हम उसकी तकलीफ दूर करने के लिए कह सकते हैं, मुंह से कह देते हैं कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था आपके साथ, वगैरह वगैरह। बट करुणा जो है वो अंतकरण से दूसरों की तकलीफ़ों को समझने और उन दुखों को दूर करने के प्रयास से संबंधित होता है कि उसके साथ जो घटना घटी है उसको कैसे दूर किया जा सकता है और उसके साथ ऐसी कौन सी चीज़ें हम लोग करें कि उस। और ये मेनली सिविल सर्वेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि वो करुणा उनके अंदर से आए। तो यहाँ पर एक बात अच्छे से समझ चुके होंगे कि करुणा क्या होती है और यहाँ सहानुभूति क्या होती है। तो ये देने के बाद आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि सहानुभूति में केवल हम किसी के शब्दों से दुख दर्द बांटते हैं और करुणा के अंतर्गत हम उनको मतलब ऐसा कोई प्रयास करते हैं जिससे उनके दुख दर्द खत्म हो सके। चलिए हम आगे बात करते हैं करुणा की आवश्यकता क्यों होती है। तो करुणा की आवश्यकता एक सिविल सर्वेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। तो उसको आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि पिछड़े और मुख्य धारा से कटे हुए लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए ये बहुत ही आवश्यक होती है। कुछ सामान्य उपायों द्वारा उन्हें मुख्य धारा में सम्मिलित किया जा सकता है। अगर सिविल सर्वेंट के अंदर करुणा नहीं है तो फिर लोग पिछड़े जो है पिछड़े ही रहेंगे, वो कभी आगे नहीं आ सकते। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें सेकंड आवश्यकता, कमज़ोर वर्गों की स्थिति सुधारने की दिशा में लोक सेवकों के लिए आवश्यक, क्योंकि लोक सेवक होता है उसे जनता से मिलकर काम करना पड़ता है, वो बीच की कड़ी होता है जनता और जो हमारे जहाँ से सर्विसेज हमें प्रोवाइड होती हैं। तो जब तक लोक सेवक के अंदर करुणा नहीं होगी तब तक वो किसी भी वर्ग की स्थिति को नहीं सुधार सकता। सामाजिक समावेशन के लिए अति आवश्यक है। समाज में हर एक प्रत्येक वर्ग को समावेशन करने के लिए एक सिविल सर्वेंट के अंदर करुणा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने की भावना का विकास करना। समाज में एक भी व्यक्ति किसी भी लाभ से अचूका ना रहे, छूटा ना रहे, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि उसके अंदर करुणा हो। नेक्स्ट है वंचित वर्गों की सहायता में गहरा संतोष व्यक्त करना। अगर करुणा किसी के अंदर होगी तो वो सहायता करेगा वंचित वर्गों की, और अगर वो सहायता करेगा तो उसके अंदर संतोष की भावना होगी, उसे सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ मैंने कुछ अच्छा काम किया है। तो इसके कारण भी करुणा की आवश्यकता होती है इंसान में। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार करने के लिए आवश्यक। हमारे संविधान में लिखा है कि भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य होना चाहिए, तो इसके लिए आवश्यक है कि एक सिविल सर्वेंट में करुणा हो। अगर वो करुणा होगी तो कमजोर वर्ग, पिछड़े वर्ग, मुख्य धारा से कटे हुए लोग, इन सबको एक साथ लाकर उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का काम एक सिविल सर्वेंट कर सकता है। और अगर ये काम सुचारू रूप से हो गया तो एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सकती है। तो आज ख़त्म होता है आज का टॉपिक यहीं, और ये पूरा टॉपिक हमारा ख़त्म हो चुका है एथिक्स का पेपर 4 का करुणा का, करुणा से रिलेटेड सारा जो हमने बैक में किया था। तो ये आप देख सकते हैं इसमें पूरा हम लोग ये टॉपिक कर रहे थे। तो हमारा ये पूरा टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो चुका है और आप प्लेलिस्ट में जाके ये पूरा टॉपिक चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आज मैं इजाज़त लेती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर हाजिर होंगी मैं आप लोगों के सामने। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।